इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे छुपा लो आगोश में घर में मेरा घर भी तो एक आगोश है मेरा शौहर मेरा पीछा कर रहा है तुम शादीशुदा हो नहीं अभी नहीं तो खाविन कौन सा पीछा कर रहा है होने वाला अभी पैदा नहीं हुआ ओहो अभी निकाह नहीं हुआ उसके बाप का मेरा निकाह नहीं हुआ उसके बाप से उससे उससे किससे मेरे खाविन से जब निकाह नहीं हुआ तो खाविन क्यों कह रही हो अंदर जाने दो क्या मुझे अंदर जाने दो पर तुम हो कौन देख नहीं रहे दुल्हन हूं मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा जब तक तुम्हारी समझ में आए तो वो मुझे पकड़ लेंगे कौन पकड़ लेंगे ओहो मैं रन अवे ब्राइड हूं क्या ये कौन होती है ब्रॉड माइंडेड होती है वो जो एंड निकाह के वक्त भाग जाती है हां क्या अरे मेरी बात तो सुने ये तो अंदर चली गई इसको सारे कमरे पता है ना वैसे मेरे दिल में जगह कम है लेकिन फिर भी ये फस के आई जाएगी अरे 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 बात सुनिए लड़की आपको देख के अर्ज किया कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और ब्रेकअप के बाद दूसरी गली से निकल जाना आधा बर्स अबे यार शेर छोड़ यार वो ही तो छोड़ा है ये कौन है मैं शायर बदराम ये गाते भी हैं नहीं ये नाचते भी हैं कमीने तूने बताया नहीं कि तू नाचता है यही कि तूने शादी कर ली अरे ये मैंने शादी नहीं की अबे तो क्या फिल्म की शूटिंग हो रही है अबे ये भाग के आई है क्यों इसे कन्विंस नहीं मिली अबे रन अवे ब्राइड है ये वो संभल के बोला क्या 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 है अबे भागने वाली दुल्हन तूने जूलिया रॉबर्ट्स की फिल्म नहीं देखी उसमें ये भी थी मुझे छुपा लो मेरे पीछे आ रहे हैं इधर इधर कौन पीछे आ रहा है मेरे घर वाले तो हम क्यों छुपाए भाई हम पे केस बनवाओगी क्या हाँ हमने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा देखा है ये कौन मानेगा लोग तो मेरी सुनेंगे अरे कहाँ से ले आया भाई अरे मैं नहीं लाया ये खुद आई है बताओ मुझे कहाँ से अपना और खबरदार जो किसी को बताया यही कि तुम दुल्हन हो कि मैं यहाँ हूँ अभी ये तो अंदर चली गई ये अच्छी जबरदस्ती है यार अभी अगर वो आ गई तो क्या होगा अब देखते हैं कितना अंदर गई है कौन हो तुम नजर नहीं आ रहा दुल्हन हूँ अरे बाबा किसकी दुल्हन है आप उन दोनों से पूछो दोनों सलमान सलमान तुम्हें कोई गैरत शर्म है या नहीं क्या हुआ तुम दोनों ने एक ही लड़की से शादी कर ली है तो तुम अभी हाँ कर दो इसको छोड़ दे दो हाँ रख के दो एक थप्पड़ मैं इनकी दुल्हन नहीं हूँ अरे अभी तो तुम कह रही थी कि इन दोनों से पूछो तो इसका क्या मतलब है कि दोनों की दुल्हन हूँ उफ़ो तुम इन दोनों में से किसकी दुल्हन हो किसी की भी नहीं क्या तो यहाँ क्या कर रही हो छुप रही हूँ किससे नहीं दूल्हा से अब ये क्या फिल्म है ये फिल्म नहीं ये सिटकॉम है ये हॉरर फिल्म है इसे कहो मेरे घर से बाहर निकले फौरन ये तुम्हारा घर है तो और किसका है हाँ तो फिर मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी क्या इस एरिया में सबसे महफूज घर तुम्हारा ही है सलमान ये नहीं चलेगा निकालो उसको यहाँ से वो हम नहीं निकाल सकते बाहर इसे क्यों नहीं ये बहुत खतरनाक धमकियां देती है अरे हटो यहाँ से हाँ बहुत थक गई ना मैं आपके लिए जूस लेकर आता हूँ आए हाय 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 क्या शेर कह दिया मैंने कि गर्मी का मौसम है आएगी अब कैरी गर्मी का मौसम है आएगी अब कैरी मैं बारिश कर दूं पैसों की जो तू हो जाए मेरी बेटा ये जो तेरी ख्वाहिश है ना ये दिल में ही रह जाएगी अरे तो तूने तो कहा यार कि उसका अभी तक निकाह ही नहीं हुआ तो इसका मतलब वो तुझसे शादी कर लेगी अरे किसी से तो करेगी या सारी जिंदगी भागती रहेगी सारी जिंदगी भाग लेगी मगर तुझसे शादी नहीं करेगी यार ऐसा भी गया गुजरा नहीं हूँ मैं बेटा तू उससे भी गया गुजरा है तू भी ये उम्मीद मत रख के वो तुझसे शादी कर लेगी बेटा बुरे वक्त तक कुछ पता नहीं होता तुझ पे ये बुरा वक्त कभी नहीं आएगा बे गालिब तू तो शायर है तुझे तो कोई लड़की मिलती नहीं मुझे तो ट्राई मारने दे यार क्यों शायरों की शादियां नहीं होती क्या अबे जो शादी से पहले शायर हो उनकी नहीं होती मैं तारीख बदलूंगा वो सामने कैलेंडर है जा जाके बदल ले यार देख दोस्त के लिए कुर्बानी दे अरे ईद तो आने दे अरे इस लड़की की अरे कुर्बानी बकरे की होती है बहुत ही खबीस इंसान है तू एक लड़की के लिए दोस्ती भूल गया अबे तू प्लान ऐसे कर रहा है जैसे वो हमसे शादी करने के लिए बैठी है किसी भी काम का आगाज सोचने से होता है अबे तो तू अनहोनी तो ना सोच क्या पता उस सोच में बरकत पड़ जाए बरकत यानी कि मैं हाँ ना जैसे ही ना काजी की आवाज कबूले कबूले मेरे कान में पड़ी मैं वहां से भाग गई फिर क्या था मैं आगे आ गई पूरा खानदान मेरे पीछे पीछे है हाँ ना ये मेरी सातवीं शादी है जिससे मैं भागी हूँ सातवीं शादी तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ नहीं कहते कहते हैं क्या अपना भागना
तुम्हारा दुल्हा तो तुमसे बहुत नाराज होगा. होता रहे, लेकिन बहुत प्यारा होगा. हाँ. उसे भी तुम प्यारी लगी होगी. उसने अभी मुझे देखा ही नहीं. क्या? हाँ ना, मेरे घर वालों ने उसको देखा और शादी के लिए हाँ कर दी बस. उसने तुम्हारी पिक्चर भी नहीं देखी? नहीं, उसने कहा माँ बाप को पसंद है तो लड़की खूबसूरत ही होगी. हैरत है, वैसे आजकल ऐसा कहाँ होता है. हमारे घर में यकीन नहीं हो रहा. मुझे अपने कपड़े दे सकती हो? तो फिर मैं क्या पहनूंगी? सारे नहीं, बस एक जोड़ा. इस सूट में ना मैं अजीब सा फील कर रही हूँ. अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे मेरे कपड़े वापस दे देना. ठीक है? हाँ हाँ कर दूंगी. चलो मैं देख. Hi, I'm looking pretty. बिल्कुल ब्राइट लग रही हूँ. तुम भागी क्यों? ओ भाई, मैं नहीं भागी. और कहाँ से भागना था? अरे शर्म करो, अपने होने वाले शौहर को भाई कह रही हो? मैं दुल्हन नहीं हूँ. अरे वाह, दुल्हन के लिबास में और कह रही हो दुल्हन नहीं. देखो तुम्हें गलत फहमी हो रही है. जो तुम समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ. ये वाकई मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें समझ नहीं सका, लेकिन अब तुम मेरी सिख बन गई हो. तो हो, समझ क्यों नहीं रहे? मैं दुल्हन नहीं हूँ. अरे कैसे नहीं हो? चलो मेरे साथ, दोबारा से निकाह होगा. कम ऑन कम ऑन. क्या कर रहे हो? मेरा यकीन तो करो. अरे वो तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारा यकीन करते होंगे. मैं नहीं करूंगा. चलो मेरे साथ, चलिए चलो. कैसे जाऊं? अरे गाड़ी से. और कैसे? मैं ये रिस्क नहीं ले सकती. तुम जानती हो दोस्तों में कितनी बेइज्जती हुई है मेरी. तो तुम ये जानते हो कि मेरी कितनी होगी? अरे जब शादी नहीं कर सकती तो निकाह में क्यों बैठती हो? वो मैं नहीं हूँ. सुन रहे हो या नहीं? अरे मैं कुछ नहीं देखूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा. चलो फोन 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 फोन. देखो मैं तुम्हें तुम्हारे दुल्हन के पास लेके जाती हूँ. आओ मेरे साथ. अब एक और ड्रामा? ड्रामा और क्या? ये ड्रामा नहीं है. चलो वो खुद कहेगी कि वो दुल्हन है. यकीन नहीं हो रहा? यकीन के बच्चे. चलो मेरे साथ. यकीन के बच्चे हो गए? ये है तुम्हारी दुल्हन. ये? जी जनाब, पूछ लो. क्या आप दुल्हन है? कौन सी दुल्हन? क्या मतलब है कौन सी दुल्हन? तुम ही तो आई थी दुल्हन बन के. मैं? ये क्या कह रही हो? अरे क्या नाच गाना लगा रखा है? तुम तो कह रही थी ये दुल्हन है. अरे तो यही दुल्हन है. दुल्हन के लिबास पे कौन है? ये. तो फिर पूछ क्यों रहे हो? ये झूठ बोल रही है, समझे? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? जब से आई मेरे कान खाए जा रही है. कान खा रही है? ये तुम्हारे लिए कह रही थी कि मेरा दुल्हन बुद्धू सा है, बंदर जैसी शक्ल है इसकी. क्या? ये मैंने कब कहा झूठी? अच्छा तो तुम मेरे बारे में ये सब कह रही थी? झूठ 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 बोल रही है ये. अरे तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मुझे बंदर कहने की? वैसे कुछ गलत तो नहीं कह रही थी. तुम चुप रहो, ये मियां बीवी का आपस का मामला है. मियां बीवी? मैं मतलब होने वाली, होने वाली. देखो ये चंडाल झूठ बोल रही है. मैं कोई तुम्हारी होने वाली बीवी नहीं हूँ. अरे कैसे नहीं हो तुम मेरी दुल्हन? तुम्हें मेरे साथ जाना होगा. अभी बुलाओ अपने घर वालों को. मैं अपने घर वालों को क्यों बुलाऊं? मैं सबसे शर्मिंदा हूँ. मैं तुम्हें अपने बलबूते पर और अपने जूते पर लेके जाऊंगा यहाँ से. अपनी दुल्हन की तस्वीर तो मंगवा सकते हो, वो भी नहीं मंगवा सकते. मैं कोई तस्वीर वस्वीर नहीं मंगवाऊंगा. इतना वक्त नहीं है मेरे पास. निकाह खाना हमारा इंतजार कर रहा है. मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती. अरे क्यों नहीं जा सकती? चलो मेरे साथ. छोड़ो मेरा हाथ. अरे चलो चलो. क्या हुआ? मुझे लगता है मर गई. मैंने तो सिर्फ हाथ पकड़ा था. बंदर, उसको उठाओ और बिस्तर पे लेटाओ. चलो उठो भाई. निमी निमी, अरे होश कर, होश करो. निमी निमी, अरे इसके पास से. क्यों, तुम क्या इसके भाई हो? अरे क्या बकवास कर रहे हो, मेरे होने वाली बीवी है. लेकिन ये शादी से पहले कैसे बेहोश हो गई? सदमे से हुई है भाई. जाहिर सी बात है, जब तुम जैसे लड़के से शादी होगी तो सदमा ही पहुंचेगा. अरे क्या बक रहे हो तुम? तुम हो कौन? हमारे हमारे घर में घुस के हमसे पूछ रहे कौन है हम. ये घर तुम्हारा है? तो और क्या, तुम्हारा है. और ये भी यही रहती है? शक्ल से लगता नहीं कि घर तुम्हारा है. अच्छा मैं समझ गया, तुम दोनों भाई हो इसके. अबे ओ दस्ताने के अंगूठे. अबे यार ये क्या चीज घर में घुसाई है? हम क्या इसके भाई नजर आ रहे तुम्हें? क्यों, इसके भाई इंसान नहीं हो सकते? अबे अब तेरा कत्ल हो जाएगा हमसे. ये किराएदार है. किराएदार? जी हाँ. अरे ये सब छोड़ो, ये लड़की निकाह से भागी है. किसके निकाह से? अरे अपने निकाह से. अपने निकाह से? जी हाँ, और वो मुझसे हो रहा था निकाह. अरे वो और है. जी नहीं, यही है. अच्छा तुम सब मिले हुए हो. अबे ओ परफॉर्मर. मैं कहाँ हूँ? तुम हो डिफेंस फेस हेड मेरी आगोश में. दफा हो यहाँ से. और तुम अभी तक गए नहीं? मैं तुम्हें लेके जाऊंगा. नहीं निमी 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 उठो. अरे मेरी दुल्हन है. अरे मैं होश में लाऊंगा. आप कहाँ जा रही है? मैं
फिर भाग रही हूँ। फिर भाग रही है? अब मेरा मतलब है कि भागने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अरे खुदा के लिए ऐसा मत करो, क्या तुम भी अपने होने वाले शोर को सही करवाओगी? हाँ। क्यों? मजा आता है। हम मर्दों की जान निकल जाती है और तुम औरतों को मजा आता है? हाँ। तुम जैसे औरतों को मोटे वाले फंदे से फांसी पे लटका देना चाहिए। और तुम जैसे बंदरों को भी। तुम मेरी तोहिन कर रही हो। और तुम भी। मैंने कब तुम्हारी तोहिन की? लेकिन बता नहीं सकती। अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या हो? मैं दुल्हन हूँ। दुल्हन? अच्छा तो वो लड़की ठीक कह रही थी? नहीं नहीं वो नहीं, मैं ना उसकी दुल्हन हूँ। अरे उसकी किसकी? वो जो एक सूखा पतला सा ना यहाँ पर सलमान। सलमान? अरे वही सलमान ना जिसका मुंह ऐसा लगता है जैसे बड़े हुए सुंडी के ऊपर हाथी ने पैर रख दिया हो। खबरदार जो मेरे शौहर के बारे में ऐसा वैसा बोला। अरे जान को बजाओ, तुम और तुम्हारा शौहर, मैं अपनी मुसीबत में फंसा हुआ हूं। तो तुम अपनी मुसीबत को देखो। तुम्हारी शादी हो रही? ये तुमसे किसने कहा? तुम्हारे लिबास ने। ये मेरा नहीं है। तो ये उस लड़की का है, तुम ही तो लाए थे उसे मेरे पास। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब समझाओ लड़की को, उस दूल्हे को जो इस घर में फिर रहा है। तुम यहाँ हो? या अल्लाह मुझे इससे प्लीज बचाओ। अबे ओ बर्फ पकड़ने की कैंची, ये तुम इसके पास क्यों? क्यों? ये मेरी होने वाली बीवी है। अरे मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। अरे कैसे नहीं हो? क्योंकि 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 अब मेरी शादी हो चुकी है। किससे? वो इससे, इससे पूछो। मुझसे? कब? अरे तुमने दो शादी की हुई है? दो? अरे अभी तो एक में घपला हो रहा है, दूसरी कौन सी? अरे उस लड़की से। अरे भाई कौन सी लड़की? अरे वो जो इस घर में। वो तो दुल्हन है। हाँ यही तो वो कह रही है। है? उसने मान लिया? हाँ कि ये उसका शौहर है। अरे ये क्या हो रहा है, पहले मुझे एक नहीं मिल रही थी और अब दो दो? बकवास बंद करो। एक्सक्यूज मी, अपने खाबिर से इस तरह बात करती है? हाँ क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ? मैं पुलिस बुला रहा हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया है। अरे जाओ उसके पीछे को समझाओ। अरे मैं क्या समझाऊँ, वैसे तुम उसे शादी वाली बात पर संजीदा हो ना। दफा हो जाओ यहाँ से। सलमान एक बार बता, ये क्या किया तूने? अच्छा मुझसे कुछ हो गया क्या? एक बार नहीं दो बार। कसम ले ले मुझे एक आध बार का भी पता हो। सारे घर में मशहूर है और तुझे पता ही नहीं? क्या पता नहीं? वो जो दूल्हा कह रहा है। दूल्हा क्या कह रहा है? यही कि तुमने दो शादियां की है। वैसे मुझे वाकई नहीं पता कि मेरी दो शादियां हो चुकी है। ये कौन सा पीर है जिसके तावीज का डबल असर हो रहा है? अरे अभी वो दूल्हे की दुल्हन से जान छुड़वा। किसकी? सबकी। वैसे ठीक है तू एक बात बता, तेरी वाकई निम्मी से शादी हो गई है? एक बात बता, तुझे निम्मी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मुझे निम्मी की नहीं अपनी फिक्र हो रही है। क्यों, तुझे क्या दो रोटी बना के देती है? तू शादी वाली बात क्लियर कर देख, मेरा निम्मी से मुतालिक ना बहुत ज्यादा प्लान्स हैं। अबे क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? मेरा दिल घबरा रहा है। क्यों? बस मुझे खतरे की स्मेल आ रही है। कौन से खतरे की? भू मेरे ख्याल है कुछ बुरा होने वाला है। क्या? यकीन करें इसके जैसा ग्लास होता है जिसमें आटा भर के अगरबत्तियां लगाई जाती है। वैसे बड़ा ही कोई घबरा है, वो बिल्ले जैसा मुंह है आपका। जी बोलिए। मेरी दुल्हन कहाँ है? कौन सी दुल्हन? वो ही जो यहाँ आई है। ओ भाई वो कितनों की दुल्हन है? वो सिर्फ मेरी दुल्हन है। अबे ओ डायबिटीज वाले खुश रहे, चल दफा हो जाए यहाँ से, यहाँ कोई दुल्हन नहीं है। चल क्या बकवास है ये, तो फिर मेरी दुल्हन कहाँ है? अबे दूसरे हमसायों से पूछ, हम तो शरीफ लोग हैं। जी हाँ बड़े शरीफ लोग देखे जिनके घरों में यूं दुल्हनें भाग के आती है। अबे ओ इलेक्ट्रॉनिक बंदर, तू यहाँ से चलेगा या नहीं? नहीं मेरी दुल्हन यही है। तेरी शादी कब हुई वैसे? दो साल पहले। तो अभी तक दुल्हन है? मेरी अम्मा अब तक उसे दुल्हन कहती है। अबे एक साल बाद तो दुल्हन ऐसे ही जहर लगती है, तू पीछे आ गया? हाँ कहाँ थी? पूरे मोहल्ले में ढूंढा था। चल अब जल्दी कर, आ जा। दुल्हन मिल गई। मुबारक हो, चल भाग यहाँ से। चल मेरी वाली तो मिल गई, ये वाली कैसी है? अबे वो तू अपने दुल्हन देख जाके जा। दो साल से देख के तंग आ गया हूँ यार। तू जाता है या कि नहीं? देखो मुझे बहुत फिक्र है। अबे तेरी दुल्हन तो मिल गई, अब किस बात की फिक्र है? इस दुल्हन की फिक्र है, वो हम देख लेंगे। अकेले अकेले देख रहे हो, हमें भी तो दिखाओ। चलो दफा हो जा। चल बात सुनो, डायरेक्टर का पंटक, इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये मर चुका है, इसकी कब्र में काम चल रहा है इसलिए बाहर घूम रहा है। एक आखिरी जुगत, इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सांप हवा खा रहा हो। डायरेक्टर का पंटन इसलिए लिहाज कर रहा हूँ। अरे मेरी दुल्हन मुझसे छीन ली घर वालों ने मिलकर, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब पे केस कर दूंगा, मैं केस कर दूंगा। क्या हो गया भाई, क्यों इतने गुस्से में? भाईजान मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो किसने कहा था कि अमेरिका का वीजा लगवाओ? नहीं का फ्रॉड नहीं हुआ। तो फिर कैसा फ्रॉड हो गया? उस लड़की ने फ्रॉड किया मेरे साथ। ये लड़की के टिकटें बेचती है जो फ्रॉड कर दिया? अरे वो फटे हुए ट्रेवल एजेंट दुल्हन बन के फ्रॉड किया मेरे साथ। अबे ओ बर्फानी बंदर, ज्यादातर औरतें दुल्हन बनने के बाद ही फ्रॉड करती हैं। तुम समझ नहीं रहे हो मेरे भाई फ्रॉड को। भाई मेरे साथ हुआ नहीं ना। तुम गए नहीं अभी तक यहाँ से? ऐसे कैसे चला जाऊंगा, दुल्हन लेके जाऊंगा। तो ले जाओ, यही तो है तुम्हारी दुल्हन। जी नहीं मेरी दुल्हन वो है।
तुम सब इस प्लॉट में शामिल हो। अरे यही तुम्हारी दुल्हन है। जी नहीं। अच्छा तो फिर मेरी उससे शादी करा दो। अरे कुछ शर्म करो। तू मैं क्या नाबालिग लड़की से शादी कर रहा हूँ? अरे दोस्त की बीवी से शादी का कह रहे हो? कौन से दोस्त की बीवी? अरे वही फटा पुराना सलमान जी। सलमान जी? जी जी, और वो भी एक नहीं दो दो। ओ, मेरी एक नहीं हुई, उसने दो दो कर ली है। अरे तुम उसके दोस्त हो और तुम्हें पता ही नहीं है? अब ये खुफिया शादी है। खुफिया? हमने भाग के शादी कर ली है। भाग के? कब? एक घंटा पहले। एक घंटा पहले? नहीं नहीं, एक हफ्ता पहले। ये क्या एक घंटा एक हफ्ता पहले? ये हो गया ना सलमान। ओ सलमान, सबको अपनी अपनी पड़ी है, देखना मैं करता क्या हूँ। मैंने सुना है कि आपने मुझसे शादी कर रखी है। मैंने? जी। ये आपसे किसने कहा? वो जो शेरवानी में बंदर घूम रहा है ना, उसने। उसने? उसे तो अपनी दुल्हन नहीं मिल रही। लेकिन मुझे तो मिल गई। अच्छा, कहाँ है? आप हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते ना मैं आपकी दुल्हन नहीं हूँ। अब तो आपने खुद ही कहा है। कौन सी दुल्हन? कोई नहीं हूँ मैं दुल्हन। दुल्हन? अरे भाई, कौन किसकी दुल्हन नहीं है? देखिए, ये कह रही है कि मैं आपकी दुल्हन नहीं हूँ। ये? नहीं नहीं, मैं तो आप ही की दुल्हन हूँ। अरे यही तो मैं समझा रहा हूँ डार्लिंग। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। क्यों, इससे पहले आप क्या रहेंगे? नहीं रुके, जरा रुके। जाने दो ना इन्हें। अरे रहने दो डार्लिंग, जल्दी क्या है, इसे खड़े रहने दो। आप जाइए। अरे रुकिए। अरे भाई क्या मसला है? नहीं यूं ही जरा रुके रहेंगे तो मेरा फायदा हो जाएगा। फायदा? आप जाइए ना प्लीज। मैं कोड़े मर जाऊंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? सलमान, गालिब, जल्दी आओ। ये देखो क्या हुआ। अबे ये क्या कर रहा है? मैं मर रहा हूँ। अरे वो तो सिटकॉम में आने से पहले मर जाना चाहिए था। वो क्यों, इसने मुझसे शादी नहीं की? मैंने तो किसी से भी नहीं की। तुम उसकी बीवी नहीं हो? ओ नहीं, तुम्हें टालने के लिए कहा था। मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं वो हूँ ही नहीं जो निकाह से भागी हूँ। झूठ बोल रही हो तुम? तुमने अभी भी ना दुल्हन का लिबास पहना हुआ है। अरे तुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा, तेरी दुल्हन वो है। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। ऐसा मत कर भाई, रुक रुक। तुम इसने कहा मुझसे शादी कर ले। कैसे करूँ? अरे निकाह को बुलाओ, दो बोल पढ़वाओ और कैसे। अच्छा नीचो, ये तुमसे शादी करेगी। अरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? देखो बोली मान रही। अरे अरे मान रही है, मान रही है। आप मुझे ना बड़े सेंसिबल आदमी लगे। अब अच्छे भाई मेरे, अपनी बहन की गुस्से भी कर देना। पढ़ दूंगा मुंह पे भाई का। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? नहीं तो तुम चलो, तुम्हें बाद में समझाते। आओ आओ आओ, आ जा आ जा, तेरी सर्विस कराऊं। आ जा। अरे गालिब, अभी इसके कंधे को मजबूती से पकड़ना। बड़ी मुश्किल से बेहोश किया है। जरा देखना कहीं सारा प्लान ना खराब हो जाए, वरना इसने तो मेरी जान नहीं छोड़नी। अरे इससे पहले कि दूल्हा आ जाए तुम तो निकलो। हाँ ठीक है। अबे यार इसे होश तो नहीं आ जाएगा? अरे तू फिक्र नहीं कर, दो घंटे से पहले इसको होश नहीं आएगा। और हाँ, अगर काजी साहब बोले ना कबूले कबूले तो तू इसकी गर्दन पकड़ के हिला देना। बच्चे हाँ भाई, दुल्हन तैयार है। अभी तुम्हें नजर नहीं आ रही, अंधा है क्या? मैं देख सकता हूँ कितना रूम चढ़ा है। ओए ए, क्या कर रहा है? निकाह खुआ को आने दे। ओके। बस अपने कानों को तीन अल्फाज के लिए तैयार कर ले। कौन से? अरे यही कबूल है कबूल है कबूल है। नहीं। अरे ये पागल है, नफ्सियाती है, कह रही मैं साइलोजी की फिल्म देखूंगी।